Hello, my children. Welcome to class 8. My name is Atif Khan and you are watching your school channel SB Phule. Today, I shall teach you lesson 2nd, the tsunami. So let's start to read these chapters. A tsunami. Tsunami is a very large and powerful wave cast by earthquake under the sea. क्या कह रहा? A tsunami is a very large. Large means होता है big and powerful means शक्तिशाली. Tsunami क्या है? एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली wave. Wave means क्या होता है? धारा होता है. और ये धारा क्यों आती है? Caused by किस कारण से? Caused by earthquakes. Earthquakes means होता है भूकंप. और ये जो धारा, जो शक्तिशाली धारा उठती है, ये किस वजह से उठती है? भूकंप की वजह से उठती है. अंडर द सी, और ये भूकंप कहां पर आता है? समुद्र के नीचे. मतलब कि समुद्र में जब भूकंप आता है, तब जो है समुद्र की लहरें ऊपर बहुत ही तेजी से उठती है और सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर देती है. ये एक घटना है, इंसिडेंट है. आप देखेंगे ऑन 26 दिसंबर 2004 को अ सुनामी हिट. एक सुनामी जो है टकराई थी 26 दिसंबर 2004 को. ये सुनामी टकराई थी थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया. थाईलैंड में और पार्ट्स ऑफ इंडिया और भारत के हिस्सों में टकराई थी. सच एज, जैसे कि वो भारत के कौन से हिस्से थे? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. भारत का वो हिस्सा कौन सा था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था. एंड तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु कोस्ट, कोस्ट मीन्स होता है समुद्र का किनारा. जो तमिलनाडु के समुद्री किनारे थे वहां पर भी जो है यह सुनामी टकराई थी. हेयर आर सम स्टोरीज, यहाँ पे कुछ कहानियां हैं ऑफ करेज. करेज मीन्स होता है साहस. एंड सर्वाइवल्स, और जीवन की, मतलब साहस और जीवन की कुछ यहाँ पर कहानियां हैं. ये कहानियां उन लोगों की है जो इस सुनामी में बच गए थे. बचने के बाद उन्होंने अपनी आप बीती जो थी, उन पर जो बीती थी, उन्होंने कैसे अपनी बातों को डिस्क्राइब किया है, लोगों को बताया कि मैं कैसे बची, क्या क्या हुआ मेरे साथ, ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं. फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है. डिड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. डिड एनिमल सेंस, मतलब क्या मतलब? जानवर के भी जो है सेंस होते हैं, वो समझते हैं दैट सुनामी वॉज कमिंग, कि सुनामी आ रही थी. मतलब सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि जो कहती हैं कि जानवरों को क्या है, पता लग जाता है. जैसे हमारे यहाँ भी लोगों का कहना है कि अगर कोई भी घटना घटने वाली होती तो सबसे पहले जानवरों को पता लग जाती है कि कौन सी घटना घटने वाली होती है. तो इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि हाँ, बहुत लोगों का मानना है कि जानवर जो है घटना के बारे में उनको जानकारी पहले से हो जाती है, वो समझ जाते हैं और वो उस स्थान को छोड़कर जाने लगते हैं. यहां पर आप देखेंगे ये सुनामी का पूरा फिगर्स है. ओके, और यहां पर आप देखेंगे ये पहली जो है स्टोरीज यहां से स्टार्ट हो रही है. These stories are all from the Andaman and Nicobar Archipelago. Archipelago means होता है द्वीप समूह. ये these stories are, ये जो कहानियां हैं, are all from the Andaman and Nicobar. ये सारी कहानियां कहां से, कहां की हैं? अंडमान और निकोबार Archipelago महाद्वीप की हैं. देखिए, Ignatius, ये नाम है Ignatius, was the manager of cooperative society. Ignatius कौन था? Who was the Ignatius? Ignatius was the manager. वो manager था. कहाँ का manager था? Of a cooperative society. एक सहकारी समाज था. सहकारी समाज की एक संस्था थी. उसी के ये जो है manager थे Ignatius जी. और ये जो cooperative society है, ये कहाँ पर है? In Kachal. Kachal is also a island. His wife woke him up. His wife, मतलब उनकी पत्नी ने woke him up, उनको उठाया at 6 AM. मतलब 6 बजे सुबह में Ignatius की वाइफ ने उनको उठाया. Because, क्योंकि she felt an earthquake. क्योंकि उन्होंने महसूस किया था. She felt मतलब होता है बस, ये feel means होता है महसूस करना. यहाँ पर feel की second form है felt. तो felt means हो गया महसूस किया. उन्होंने महसूस किया an earthquake, एक भूकंप को. Ignatius
जो था केयरफुली टुक हिज टेलीविजन। इग्निशियस केयरफुली सावधानी पूर्वक टुक हिज टेलीविजन, अपनी टेलीविजन को उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल्स टेबल से एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसको जो है जमीन पर रख दिया। क्यों रख दिया? सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, सो दैट ताकि इट वुड नॉट फॉल, ताकि यह गिरेगी नहीं एंड ब्रेक और टूटेगी नहीं। देन फिर क्या हुआ? द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर पूरा परिवार जो है इनका तेजी से घर से बाहर निकलता है। आगे देखते हैं। When the tremors stop, tremors means होता है कंपन, भूकंप के जो कंपन होता है, भूकंप का जो झटका होता है वो जब रुक गया। When the tremors stopped, they saw, उनवे देखे, क्या देखे? The sea rising, मतलब जो समुद्र है वो ऊपर की तरफ क्या उठ रही है। In the chaos and confusion, मतलब कि अराजकता में, confusion में, कि अब हम करें तो क्या करें। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. आगे कह रहा है, two of his children, उनके दो बच्चे क्या के caught holds of hands of their mother's father. Mother's father का मतलब हो गया कि mother's father मतलब माता के पिता, मतलब कि नाना, and mother's brother मतलब कि मामा के, उनके जो दो बेटे थे उन्होंने नाना के और मामा के हाथ पकड़ लिए। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, रश्ड मतलब होता तेजी से भागना, बाहर निकलना, और वे इन द अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि सुनामी जिधर से आ रही थी उस तरफ नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, मतलब ही नेवर सा, वे कभी नहीं देखे देम अगेन, दोबारा उस, मतलब कि वो पीछे मुड़कर उस वेव को वो दोबारा नहीं देखे। His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी उसमें क्या है, swept means बह गई, away means दूर, मतलब swept means बह जाना। His wife also swept away, उसकी पत्नी भी बह गई। Only the three other children who came with him were saved. Only three other children, केवल तीन और बच्चे थे दूसरे, who came with him, जो उनके साथ आए थे, were saved, वही सिर्फ जो है बचे थे। Yes, looks at the next page. ये देखिए स्टोरी एक और लोग की है। संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव एक था जो पुलिसमैन था, सर्वाइविंग इन कैचल आइलैंड, और वो कैचल आइलैंड में रह रहा था, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यह कैचल आइलैंड जो है एक निकोबार ग्रुप जो आइलैंड है उसका एक उसमें उसका एक पार्ट है, निकोबार ग्रुप का कैचल आइलैंड, ओके, वहीं पे ये रहता था। He somehow किसी तरह managed to save himself, अपने आप को किसी तरह से वो बचाता है। His wife and his baby daughter from the waves, अपनी पत्नी को and his baby daughter और उसकी छोटी सी बच्ची थी उसको बचाता है from the waves, इस धारा से, जो सुनामी की जो धारा थी उससे अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बचाता है। बट देन, लेकिन फिर, ही हियर्ड क्राइज, वह सुनता है चिल्लाने की आवाज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। फिर क्या, वह चिल्लाने की आवाज सुनता है हेल्प के लिए, और यह आवाज किसकी रहती है? ये जॉन के वाइफ की आवाज रहती है, और ये कौन है? द गेस्ट हाउस कुक, और यह एक गेस्ट हाउस कुक है, उसकी वाइफ चिल्लाती है हेल्प के लिए, तो वो उसकी तरफ जाते हैं। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव जो है पानी में क्या है कूद गया, टू रेस्क्यू हर, मतलब कि जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, रेस्क्यू मींस होता है बचाना, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए कूद गए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों के दोनों क्या है बह गए, मतलब संजीव भी बह गया और जॉन की वाइफ वो भी क्या है बह गई, मतलब संजीव गया था बचाने के लिए जॉन की वाइफ को, संजीव भी बह गया और जॉन की वाइफ भी बह गई, दोनों बह गए। अगली देखिए स्टोरी किसकी है। 13 years old मेघना, ये 13 साल की एक लड़की है मेघना, इसकी स्टोरी है। वॉज स्विप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स,
वॉज स्विप्ट अवे, जो बह गई थी, अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल्स, और 77 और लोग थे उनके साथ, यह बह गई थी. शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी. शी स्पेंट मतलब उसने क्या व्यतीत किया, गुजारा, 2 days, 2 दिन, फ्लोटिंग इन द सी. फ्लोट मीन्स होता है तैरना. फ्लोटिंग इन द सी में समुद्र में तैरते हुए उसने ने 2 दिन बिताया. किसने बिताया? मेघना ने. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और किस तरह बिताया? होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा था, उसको जो पकड़कर उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताया. 11 times she saw relief helicopters overhead. 11 times मतलब 11 बार जो है she saw relief helicopter, और 11 बार वो देखती है relief helicopters को overhead, अपने सर के ऊपर. But they did not see her. लेकिन वो relief helicopter रहता है उसको नहीं देख पाता. किसको नहीं देख पाता? मेघना को नहीं देख पाता. She was brought to the shore. अब वह जो है brought किनारे आती है. Shore means होता है किनारा. किनारे आती बाई अ वेव, धारा के मतलब की बहाव से वो क्या है, किनारे आती है. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ टेस, और फिर क्या, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग, और उसको टहलते हुए पाया जाता है ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे, इन अ टेस, अचंभे में, एक अचंभे में, क्योंकि वो समुद्र के किनारे आकर लग गई थी. उसका जो वुडन डोर था वो समुद्र के किनारे आकर लग गया, और वो जो है समुद्र के किनारे जो है अचंभे में बहुत ही भयभीत थी, और उस समुद्र के किनारे टहल रही थी. नेक्स्ट स्टोरी है, देखिए. अलमास जावेद वॉज 10 years old. अलमास जावेद ये फीमेल है, ये 10 साल की लड़की है. शी वॉज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, ऑफ कार्मल कॉन्वेंट, कार्मल कॉन्वेंट की, इन पोर्ट ब्लेयर, और ये पड़ता है पोर्ट ब्लेयर में. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहां उनके पिता के पास क्या है, एक पेट्रोल पंप भी है. हर मदर्स राहिलास होम वॉज इन नैनकोरी आइसलैंड. हर मदर राहिलास, उनकी माँ जो राहिलास का जो घर है वो कहाँ पर है, नैनकोरी आइलैंड में है. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और इनका जो परिवार था वो गया था वहां पर, किस लिए गया था, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गया था. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ. When the tremors, मतलब जब भूकंप के झटके came, आए, early in the morning, सुबह में, the family was sleeping, उस समय क्या था, परिवार, पूरा परिवार सो रहा था. अलमास फादर सा, अलमास के पिता ने देखा, the sea water recede, मतलब कि जो समुद्र का जो पानी था, recede मतलब होता है पीछे जाना, to move back, पीछे जाना. He understood, वे समझ गए, that the water would come, कि वो पानी जो है आएगा, rushing back, वापस बहुत तेज से आएगा, with great force, पूरी शक्ति से आएगा. He woke everyone, उन्होंने सबको उठाया, and tried to rush, और कोशिश की बाहर भागने की, them to a safer place, एक सुरक्षित स्थान पर. As they ran, जैसे भी दौड़े, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her grandfather, उसके दादा जो थे, was hit, उनको चोट लगी, on the head, सर पर, by something, किसी चीज से, and he fell down, और वे गिर गए. Her father rushed to help, और उसके पिता, मतलब किसके पिता, अलमास जावेद के पिता, rush to help him, दौड़े उनकी मदद करने के लिए. Then came the first giant wave. तब क्या आता है, एक बहुत ही शक्तिशाली wave आती है, धारा आती है, that swept both of them away, और वो दोनों को दूर बहा कर लेकर चली जाती है. Okay? देखते हैं. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमास मदर, अलमास की जो माँ है, एंड आंट्स, उनकी आंटी, स्टूड क्लाइनिंग, वो पकड़े हुए है, टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्रीज, एक कोकोनट ट्रीज की लीव्स है, उसको क्या, वे लोग पकड़े हुए हैं कोकोनट ट्रीज को. कॉलिंग आउट टू हर, और चिल्ला रही उसको, अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक जो है वेव आती है, अपरूटेड मीन्स उखाड़ देती है, द ट्रीज, पेड़ को.
एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे दोनों बह जाती हैं। कौन कौन बह जाता है? अलमास मदर एंड उनकी आंटी दोनों बह जाती हैं। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड, अलमास ने देखा अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का लट्ठा देखा, फ्लोटिंग जो तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू, और वह जो है उस पर चढ़ गई, ऑन टू इट, और उस पर वह चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, फिर वह क्या मुरझा जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है। वेन शी वोक अप, जब वह उठती है, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल, वो फिर कहां पर रहती है, हॉस्पिटल में, मतलब जब उठती है तो वो अपने आप को कहां पाती है, हॉस्पिटल में पाती है, इन कैमोर्टा, और ये हॉस्पिटल कहां पर है, कैमोर्टा में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर उसको वहां से कहां लाया जाता है, ब्रोट मींस लाया जाता है, कहां पर, पोर्ट ब्लेयर पे। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, अब ये छोटी जो बच्ची है वो बात नहीं कर सकती है, अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में, विद एनी वंस, किसी से भी, शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज, वो अभी भी क्या है, शॉक्ड में है, उसको बहुत ही आघात लग गया है और वो बात नहीं कर सकती है। इसके बाद देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ओके, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोस यहाँ से बनाई जाती है आपके हाथ तक वो जल्दी से जल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वीडियोस मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।